जैसी जैसी कोई नहीं। मुझे लगा नंदनी मैम जैसे अरमान सर मुझे पुकार रहे हैं। जैसे आप तुम ठीक तो हो ना? I'm sorry, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। गुड नाइट। मैंने कहा ना म्यूजिक बंद करो। सर म्यूजिक हम पहले ही बंद कर चुके हैं। मुझे एक ड्रिंक मिलेगी। आई एम सॉरी मिस्टर सूरी, बार बंद हो चुका है, आपके भी जाने का वक्त हो गया है। ठीक हो? जानती हो मैं रात भर तुम्हारे लिए परेशान था। अपनी खुशियां ना सही, कम से कम अपने गम तो बांट सकती हो ना। बस एक तूफान चल रहा है अंदर जो थमने का नाम ही नहीं लेता। तूफान तो मेरे अंदर भी है जैसे, और वो तब तक नहीं थमेगा जब तक मैं तुमसे अपनी दिल की बात नहीं कह दूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया जैसे, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। तुमने मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अरमान है, तब भी था और शायद हमेशा। क्यों सच कहा ना मैंने? एक दिन अरमान को अपनी गलतियों का एहसास होगा, उसने जो सलूक तुम्हारे साथ किया उस पर पछतावा होगा और वो भागा भागा तुम्हारे पास आएगा और तुम हमेशा के लिए तुम दोनों यही आज दिल में लिए बैठी हो ना तुम। काश इतना ही प्यार तुमने मुझसे किया होता जैसी, तो मैं जैसी तुम्हारे अंदर जिस नई औरत की झलक मैंने देखी है ना,
आशा है कि वो पूरी तरह खिलकर बाहर आ गई होगी। तुम हर उस बंधन को तोड़ चुकी होगी जो तुम्हें बांधे हुए है। तुम्हारे रूप की तरह तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे सपने भी परवान चढ़ेंगे। जब अगली बार मिलेंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पहचान ही ना पाऊँ। मैं उस पल का इंतजार करूंगी। चक दे फट्टे कुड़िए, तुम्हारी दिव्या। आराज, अरमान कहाँ है तू? सब तेरी वेट कर रहे हैं यार। मैं आ रहा हूँ राज, मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग डैड। आप अरमान बेटे, ये आइए मिस्टर वर्मा, बैठो मिस्टर वर्मा। जी नहीं, थैंक यू। जस्सी क्यों नहीं आई अभी तक? जी वो अगले हफ्ते से पहले नहीं आ पाएगी। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान? क्या मतलब? जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हारी उस दोस्त को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए? आप क्या ना क्या चाहती हैं? देखो मिस्टर वर्मा, आज आखिरी दिन है। आज अगर जस्सी साइन नहीं करेगी तो जज अपना फैसला सुना देगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, भाग जाओ तुम भी अपनी उस दोस्त जस्सी की तरह। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। लीगल एक्शन? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्सी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, समझे तुम? तुम्हें किसी ने कुछ पूछा? कुछ पूछा अरमान, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुमने गुरुओं को जस्सी के हवाले किया। बेटे माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। छोड़ो मुझे, ये बदबू कहाँ से आ रही? अरमान से और कहाँ से, आप लोगों को दिखाई नहीं देता उसने कितनी शराब पी रखी है? दो दिन से कपड़े तक नहीं बदले उसने। बस बस, मीटिंग खत्म हो चुकी है। डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं नहीं अरमान, तुम कुछ नहीं कहोगे। नहीं, तुमने जो कहना था जो करना था वो हम देख चुके हैं। Now please, just go away. मुझे अरमान की बहुत फिक्र हो रही है, हमें उसे संभालना पड़ेगा। नंदिनी मैम, मैंने पुलिस परमिशन भी ले ली है, तो VLCC लुक ऑफ द ईयर के फिनाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मैं सोच रही थी क्या कि तुम्हें और भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। और इतना काफी नहीं है क्या? मैम मेरे घर वाले मुझे पहचानेंगे ही नहीं, पहचानना दूर, मुझे अंदर भी नहीं घुसने देंगे। जैसी तुम्हारे घर वालों के लिए तुम हमेशा वही जैसी रहोगी। शक्ल सूरत और कपड़े बदल जाने से प्यार नहीं बदलता, वो लोग तो आंख बंद करके भी तुम्हें पहचान लेंगे। मैं जानती हूँ। हाय पूरा, आओ बैठो। हाय। मैंने कहा था ना,
जस्सी जैसी एफिशिएंट और मेहनती लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात तो पहले से जानता था। अभी वीएलसीसी मिस ब्यूटीफुल में कितना टाइम बाकी है, लेकिन जस्सी ने सारा काम खत्म कर लिया, छोटी से छोटी डिटेल भी खत्म कर ली। मैम और कोई काम बाकी है? हाँ, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। पूरब, कैन यू डू मी अ फेवर, प्लीज जस्सी को मॉरिशस घुमा के आओ ना। जब से आई है इसने मॉरिशस देखा ही नहीं, काम में ही लगी रही। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। नंदिनी मैम, मैं आई एम टेलिंग यू, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। मैं भी एक नैप लेके आती हूँ। ओके, अरमान की तरफ जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं वो मैं समझता हूँ, और मेरी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। अगर फिर भी अगर तुम मेरे साथ ना आना चाहो तो आई अंडरस्टैंड। पूरा मैं चलो एक टूरिस्ट गाइड ही समझ लो। मैं चेंज करके आती हूँ। अरे कोई देखेगा या मैं ही दरवाजा खोलूं? देखती हूँ। क्या हुआ बेटा? कैसा लाना तू? पूरा ही कहो बेबे, वहां पे तो लोग जैसे के खून के पैसे हो रहे हैं। क्या कह रहे है तू? हेलो हेलो। अरे जस्सी बेटा कैसी है तू? बेटा कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तेरा अचानक गुलमोहर छोड़कर मॉरिशस चले जाना, अरमान सूरी का बार बार तेरा पता पूछना, और वो गुलमोहर का वकील भी तुझसे मिलना चाहता है, पता नहीं क्या बात। हेलो जस्सी, यहाँ तो बात और बिगड़ती जा रही है। यहाँ पे सब बेवकूफ सोचते हैं कि तू उनसे गुलमोहर छीनना चाहती है। अरमान सर भी नंदू, अपनी गलती का एहसास होने के बजाय वो लोग हमें ही दोष दे रहे हैं। ठीक है तू ऐसा कर, अगर वो लोग भी कोर्ट जा सकते हैं ना तो हम भी उनका जवाब दे सकते हैं। तू कल ही एक वकील रख ले। वकील रख लो? बेवकूफ, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। नहीं नंदू, यही सही है, कम से कम उल्टा सीधा इल्जाम लगाने से पहले वो लोग दो बार सोचेंगे तो सही। चल मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके जस्सी, मॉरिशस जाने के बाद कितना बदल गई। पर इतने बड़े लोगों के खिलाफ जाने का मतलब क्या है? पहले जो कुछ भी हुआ हो, अरमान को लेकर जस्सी का स्वभाव हमेशा एक सा रहा है। वो तो जस्सी का ख्याल रखता था ना, और जस्सी हमेशा उसकी तारीफ करती थी। इन कुछ दिनों में आखिर इतना सब कुछ कैसे बदल गया? शायद जस्सी की डायरी से मुझे पता चले। वैसे अच्छा तो नहीं लगता, पर नंदू की बातों से जाहिर है कि जस्सी के ऊपर कोई मुसीबत आई है, और मुझे सच्चाई का पता लगाना ही है। यही तो थी, जरूरत के वक्त पर कोई चीज मिलती क्यों नहीं? अरमान, बेटा ओम, आप भी मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाने आ गए, जो मैंने नहीं की उसके लिए। मैंने मलिका से शादी नहीं की शायद उसके लिए, मैं बहुत सुन चुका हूं मॉम, और नहीं सुन सकता। बेटे मैं तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आई हूं, लेकिन कम से कम तुम्हारी सेहत की फिक्र तो कर सकती हूँ ना मैं। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है बेटे, ये सब कुछ तुम किसके लिए कर रहे हो? उसके लिए अरमान,
जिसने हम सबको बर्बाद कर दिया, जो तुम्हें छोड़ चुकी है उसके लिए, जो अब कभी वापस नहीं आने वाली उसके लिए, उसके लिए अरमान तुमने अपने सारे होश खो दिए हैं। इस कदर बेहोश हो गए हो कि तुम्हें वो लड़की भी नजर नहीं आती जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। सब कुछ जानने के बावजूद वो तुम्हें चाहती है अरमान, जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अरमान ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जस्सी तुम्हें नहीं चाहती, वो तुमसे सिर्फ बदला चाहती है। सिर्फ तुम्ही से नहीं, हम सबसे भी। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, मेरा दिल कहता है कि जस्सी वापस आएगी। नहीं, जस्सी अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम ये क्यों नहीं समझते अरमान कि वो कहीं बैठी अपनी जीत और तुम्हारी हार का जश्न मना रही है? अब तक तो किसी और का हाथ भी थाम लिया होगा उसने। नहीं बालिका, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त दुनिया में सबसे अकेला राज, कम से कम तू तो मेरा साथ मत छोड़। मलिका ने तो यहां तक कह दिया कि जैसी ने अब तक किसी और का हाथ थाम लिया होगा। ऐसा नहीं होगा ना राज, ऐसा नहीं होगा ना राज, ऐसा नहीं होगा ना। एक बार कह दे प्लीज। यार उसे तू मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। तू जैसा नमूना और नहीं है इस दुनिया में। तुझे क्या लगता है, अंधा राजकुमार आएगा और बच्चकलों की राजकुमारी को उठा के ले जाएगा? है? हमेशा तुमसे प्यार किया जैसी, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। हाँ, वो तुझसे भी ज्यादा स्मार्ट होगा, हैंडसम होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, जिसे देखकर जैसी हवा में उड़ने लगेगी, है ना? वो जस्सी को दुनिया के नजारे दिखा रहा होगा और जस्सी की लोहे की स्माइल फिर से खिल उठेगी और फिर बादलों के बीच सपनों के शहर में वो जस्सी से कहेगा, मुझसे शादी करोगी? काश तुम मेरे दिल की बात समझ पाती जस्सी। तुझे लगता है ऐसा होगा अरमान? तू भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है। जैसी दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, उसे कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला। आई लव यू जैसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।